कुछ दिनों से पुणे पोर से केस लगातार सुर्खियों में है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, दो लोगों की मौत, 15 घंटे के अंदर जमानत, फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आया कि नाबालिग ने शराब नहीं पी। इस मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। पुणे पोर्से कांड के नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जिस हॉस्पिटल भेजा गया, वहां सैंपल के साथ छेड़छाड़ किए जाने का पता चला है। नाबालिग आरोपी के पिता और दादा के बाद 3 और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को और 1 चपरासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टर पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने और सबूतों को मिटाने का आरोप है। अब ब्लड सैंपल लेने से लेकर मिटाने तक क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 19 तारीख की सुबह करीब 11 बजे नाबालिग का ब्लड सैंपल जाँच के लिए पुणे के ससुन हॉस्पिटल भेजा जाता है। CMO श्रीहरि हेलनोर को सैंपल की जाँच करनी थी, वो जांच करने जाते हैं। इस बीच एक चपरासी उनके पास आता है, उसके हाथ में 3 लाख रुपए थे जिन्हें फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD अजय तावरे ने भेजे थे। पैसों के बदले में कहा जाता है कि ब्लड सैंपल बदल दो। फिर क्या था, पैसा चीज़ ही ऐसी है, उसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर हेलनोर ने नाबालिग के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। यहाँ पुलिस को शक हुआ कि ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है। फिर खुफिया जानकारी मिली कि ब्लड सैंपल कलेक्शन में कुछ हेर फेर हुआ है। दूसरे ब्लड सैंपल में भी अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने एक गलती कर दी, उसने DNA पर ध्यान दिया ही नहीं। पुलिस ने जब पहले और दूसरे सैंपल का DNA टेस्ट करवाया तो सामने आया कि दोनों का DNA मेल नहीं खाता। फिर जांच की गई तो पता चला कि डॉक्टर ने ब्लड सैंपल ही बदल दिया है। इसके बाद आरोपी के ब्लड का सैंपल लेने वाले डॉक्टर श्रीहरि को 26 मई की रात गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में डॉक्टर हेलनोर ने मान लिया कि चपरासी डॉक्टर अजय के कहने पर उन्हें 3 लाख रुपये देने आया था, जिसके बाद उन्होंने ब्लड सैंपल बदल दिया। दोनों डॉक्टर और चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साथ ही उस शख्स की भी तलाश की जा रही है जिसके सैंपल से झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी। इस बीच गिरफ्तार किए गए डॉक्टर अजय ने कहा कि मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमने ये बताया है कि जो प्राथमिक तौर पे जो दोषी अधिकारी पाए गए थे वो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसमें प्रत्येक दिशा में तपास और इंक्वायरी शुरू है। जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस केस में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नाबालिग के दादा और पिता हर हाल में उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस, डॉक्टर, मंत्री से लेकर संतरी तक एक एक कर सभी के नाम सामने आ रहे हैं। खैर, जैसे जैसे इस केस के पन्ने पलटते जाएंगे नए नए राज खुलते जाएंगे। मैं हूँ हिमानी श्रोत्री और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर।